कुलदीप वार्ष्णेय कन्हैया की जीभ काटने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप वार्ष्णेय ने कहा है कि कन्हैया को सबक सिखाने के लिए जेल भी जाने को वो तैयार है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी कन्हैया की जीभ काटेगा तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी कहा साथ ही कि भारत माता को गाली देने वाले की जीभ नहीं कटी तो ये भारत माँ के 25 अरब बेटे बेटियों का अपमान होगा। आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित JNU में भारत विरोधी नारेबाजी करने के आरोप में कन्हैया जेल जा चुका है और फिलहाल न्यायालय ने जमानत पर उसे रिहा कर दिया। इस बीच ये चौंकाने वाली खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां पर कन्हैया की जीभ काटने वाले को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और ये घोषणा की है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप वार्ष्णेय ने। वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कन्हैया की जीभ काटने के लिए, और भाजपा जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं कुलदीप। मातृ पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, पितातुल परम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उसने गालियां दी, उसने हमारे देश का, हमारे संगठन का, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया है। मैं उसकी जीभ काटने वाले को, उसको उसकी जो जीभ है वो कटनी चाहिए और उसको काटने वाले को मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा।